नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित महेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम शार्क टैंक प्रोग्राम में जाकर अच्छे से अपने बिजनेस के प्रपोजल को दिखा सकते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टर्स से फंडिंग ग्रैब कर सकते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जा सकें। शार्क टैंक के प्रोग्राम में जाना एक बात है, वहाँ पर प्रपोजल दिखाना दूसरी बात है, और प्रपोजल दिखाने के बाद अपने बिजनेस में फंडिंग लाना तीसरी बात है। आज हम बात करेंगे तीनों चरण में हम किस तरह से काम करें ताकि हम यदि कहीं भी अपने बिजनेस के आइडिया या प्रपोजल को डिस्कस करें तो हमें फंडिंग ज़रूर मिले। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप फंडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स पर काम करना होगा और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप शार्क टैंक प्रोग्राम में जाकर अच्छे से फंडिंग रिसीव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कोई भी आइडिया केवल एक थॉट प्रोसेस के रूप में जब तक होगा तब तक कोई भी इन्वेस्टर आसानी से आपके बिजनेस प्लान पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे आप शार्क टैंक के प्रोग्राम में क्यों ना चले जाएं। तो यहीं समझना बहुत जरूरी कि स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि जब भी हम किसी बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, आपके मन में कोई आइडिया आता है, तो सबसे पहला काम है उस आइडिया का प्लान तैयार करना कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, उसमें जब आप काम करेंगे तो आपकी सेल्स कैसे होंगी, या आपका बायर कौन होगा, या बायर किस तरह से आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ग्रैब करेगा, और ग्रैब करने पर वो कितनी पेमेंट आपको पे करेगा या कितने चार्जेस आपको पे करेगा उस प्रोडक्ट या सर्विस की, और उसमें कितना रेशो ऑफ प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, और कितने समय में आप कितने नंबर ऑफ बायर्स तक पहुंचकर अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है प्लानिंग की। सबसे पहले अपने बिजनेस के प्रपोजल की प्लानिंग करें, केवल थॉट प्रोसेस ऑफ आइडिया पर कभी भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। सेकंड जो बात है वो है ग्रोपिंग स्टेज, और ग्रोपिंग स्टेज का मतलब है जब आपका पूरा का प्लान रेडी हो तो लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, कुछ पैसे से उसको, जैसे कहते हैं ना, ग्रोपिंग का मतलब क्या है, मतलब फसल जब होती है ना वो तब होती है जब हम बीज बोते हैं। ग्रोपिंग स्टेज का मतलब है अपनी मनी को इन्वेस्ट करके, ग्रोप करके आप अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूशन में लाएं, और जब आपका बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूशन में आ जाए तो उसके बाद ज़रूरी है आप उसको डेवलपमेंट स्टेज पर लाएं। जितना भी इन्वेस्ट आपने किया है उससे किस तरह से आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे इस पर काम करें, और जब आप अपने बिजनेस के प्रपोजल को बेहतर तरीके से डेवलप कर लेंगे तो इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या आपका बिजनेस एक प्रॉफिट मेकिंग स्टेज पर आ चुका है या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, और जब तक हम अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर ना कर लें तब तक हम प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकते, और कोई भी इन्वेस्टर नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस आइडिया पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाएं। उसके बाद जब आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो जाए तो वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको सस्टेनेबल, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग तो है लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। जैसे आप वुलन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो सर्दियों का समय है जब वो कपड़े बिकते हैं तभी आप प्रॉफिट मेकिंग पर होते हैं, और पूरे के पूरे 7 महीने 8 महीने 9 महीने आपको प्रॉफिट नहीं होता है। या मान लीजिए आप कूलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कूलर मैन्युफैक्चरिंग गर्मियों में उसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, उस समय तो आपको बहुत अधिक प्रॉफिट होता है, पर रेस्ट 6 to 9 months आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो क्या आपका बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस होल ऑफ द ईयर सस्टेनेबल नहीं है तो आपको सस्टेनेबिलिटी पर काम करना होगा, एक सस्टेनेबल बिजनेस प्लान डेवलप करना होगा। आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो और सस्टेनेबल हो तभी वो परफेक्ट प्लानिंग की जा सकती है जिससे आप एक्सपेंशन की ओर जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक्सपेंशन के लिए फंडिंग की ज़रूरत है, और फंडिंग इन्वेस्टर केवल ऐसे बिजनेस में लगाना पसंद करता है जो आइडिया यूनिक हो, जिसको आपने ग्रोपिंग स्टेज में डाला हो, जिस पर आप डेवलपमेंट कर चुके हों, डेवलपमेंट करने के बाद वो प्रॉफिट मेकिंग करता हो, और प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ वो बिजनेस सस्टेनेबल हो, तभी आप उस आइडिया को प्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ योर इन्वेस्टर। क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स के पास तो पहुंच जाते हैं और उनके पास वायबल प्लान नहीं होता, तो प्लानिंग के लिए आपको बिजनेस को एग्जीक्यूशन में लाना पड़ेगा, और जब आपका बिजनेस एग्जीक्यूशन में आएगा देन यू हैव टू डिज़ाइन अ इन्वेस्टर बेस्ड प्रपोजल, कि इन्वेस्टर को समझ में आए आपकी बात, आपका प्लान, उस तरह का आपको एक प्रपोजल डिज़ाइन करना होगा, और उस प्रपोजल के माध्यम से आप इन्वेस्टर को पिच करें, अपने पूरे प्रेजेंटेशन को दिखाएं, अपने बिजनेस के प्रोफाइल के बारे में बताएं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएं, उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताएं,
और फ्यूचर में ग्रोथ की क्या संभावना है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, इसे ज़रूर एक्सप्लेन करें। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम में फंडिंग लेना चाहते हैं ना, तो आपका बिजनेस प्रपोजल प्रॉपरली डिज़ाइंड होना चाहिए। उसके बाद जब आप सारी चीज़ें तैयार कर लें तो उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएं और वो सबमिट करें। ऑनलाइन आप देख सकते हैं शार्क टैंक में कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें अप्लाई करें, अपनी वीडियो शेयर करें। उसके बाद आप शार्क टैंक के इवेंट में अपना बेस्ट कॉन्फिडेंस के साथ प्रपोजल को डिस्कस करें। एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान रखना, बहुत सारे लोग उस इवेंट तक पहुँच जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, रिकॉर्ड भी होता है, और उनकी प्रेजेंटेशन स्किल ऐसी नहीं होती कि उन्हें टीवी पर टेलीकास्ट किया जा सके। और जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कभी भी इन्वेस्टर की फंडिंग अपने बिजनेस में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए प्रेजेंटेशन स्किल्स पर ज़रूर काम करें, वाइबल प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस प्लान ज़रूर बनाएं, और जब आप इन्वेस्टर को पिच करें तो कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रपोजल को डिस्कस करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट यूनिक है, वाइबल है, सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल है और एक्सपेंडेबल है, मतलब आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट भी कमाता है, सस्टेन भी करता है और उसको स्केलेबल किया जा सकता है, तभी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। और यदि शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम में आपको अपने बिजनेस प्रपोजल दिखाने का मौका ना मिले, तो आप इन्वेस्टर्स मीट्स में जाएं, जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, बिजनेस का प्रपोजल दिखाएं और अपनी फंडिंग के लिए निरंतर लोगों को पिच करते रहें, एक ना एक दिन आपको फंडिंग ज़रूर मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं, और उस चंद घड़ी के सहारे से जीता हूँ दिन के उजियारों में और सपनों की बात किया करता हूँ हर सड़क गली चौबारों में। फाइन, तो जब आप अपने सपनों की बात हर व्यक्ति से करेंगे तो आपको लगेगा एक दिन आपको ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और यदि आपके मन में स्टार्टअप फंडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर पूरी सीरीज बनाएं तो अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।